من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وقال تعالى في مقام اخر فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون وقال تعالى في مقام آخر يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوا ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد بمظلمة فصبر عليه إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جامع ترمذی کے اندر صحیح سند کے ساتھ ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں پہلا مسئلہ بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جن پر میں قسم کھا کر کہتا ہوں جن کے اندر یہ تین چیزیں آ گئی وہ کبھی نقصان کا شکار نہیں ہوگا اور اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے معاملے کے بارے میں فرمایا میں تمہیں ایک حدیث سناؤں گا تمہیں ایک حدیث بیان کروں گا اس حدیث کو یاد کر لینا
तो जो पहला मसला है उसको हम जिमनन बयान करते हैं, जो दूसरा मसला है जिसके बारे में आपने फरमाया तुम्हें हदीस बयान करता हूं, तुम उसको याद कर लो, उसको कदर तफसील आज के इस खुतबे का हम मौजू बनाएंगे। आपने फरमाया कि तीन चीजें ऐसी हैं जिन पर मैं कसम खाता हूं। कसम खाने का मतलब यह है इन तीन चीजों पर अमल करना, कभी नुकसान नहीं उठाओगे, यह मैं हल्फन बात करता हूं। पहली बात, मा नकस माल अब्दिन मिन सदका, किसी भी बंदे का माल सदके की वजह से कभी कम नहीं होगा, मैं इस पर कसम खाता हूं। अल्लाह उसके रसूल के फरामीन, बगैर कसम के भी काबिल फहम है, काबिल अमल है, काबिल हुज्जत है। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम किसी मसले में कसम खा लें तो उसकी अहमियत को और उजागर करना मकसूद होता है। अल्लाह की राह में देते हुए कभी जहन में यह बात मत बिठाना कि माल को निकालूंगा तो माल कम हो जाएगा। अपनी जात के लिए आप खर्च करें तो यह जहन में जरूर बिठा लें, जब आप अपनी जरूरियात जिंदगी पूरा कर रहे हैं तो आपका माल कम होगा, लेकिन अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं तो आपका माल कभी कम नहीं होगा, क्योंकि यह अल्लाह से तिजारत है और यह तिजारत ऐसी है लन तबूर, जिसमें कभी नुकसान नहीं होगा। दूसरी चीज, वला जुलिमा अब्दुन बिमा जुलिमा फसबर अलैह इल्ला ज़ादहुल्लाह इज्ज़ा, जिस बंदे के साथ ज्यादती होती है, जुल्म हुआ, फिर उसने सबर किया, मामला उसकी जात का था, किसी ने जुल्म कर दिया, ज्यादती कर दी, अदावत कर दी, नाइंसाफी कर दी, जात की हद तक का मामला था, उसने सबर किया, अगर वो अल्लाह के लिए सबर करता है, छोटे छोटे मसाइल में उलझता नहीं है, दरगुजर के पहलू को इख्तियार करता है, माफी तलाफी के मामलात को पसंद करता है, तो रसूलुल्लाह सल्लम ने कसम खाकर कहा है मैं इस पर भी हल्फन ये बात कर सकता हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी इज्जतों को बढ़ा देगा। यह आला जरफ है कि आप माफी के पहलू को इख्तियार करें और सब्र करें। आज मामला बड़ा बरक्स है, जहां गैरत आनी चाहिए, जहां इंसान को अपने अंदर गैरत को पैदा करना चाहिए, वो दीन का मसला है, तौहीद का मामला है, सुन्नत का मामला है, शरीयत का मामला है, जब इसका मजाक उड़ाया जाए, जब इसकी खिलाफवर्जी की जाए, जब इसमें गुस्ताखी के पहलू इख्तियार किए जाएं, तो आपकी गैरत जाग जानी चाहिए। लेकिन शरी मामलात में तौहीद का जनाजा निकले, बिदात की भरमार हो, सहाबा की गुस्ताखियां होती हो, शरीयत का मजाक उड़ाया जाता हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई मुझे गाली दे दे, मेरे मां बाप को गाली दे दे, मेरे बच्चों पर कोई हाथ उठा दे, मेरे घर वालों के बारे में कोई बात कर दे, तो मैं अपने सारे वसायल लगाकर उसको शिकस्त देने की कोशिश कर रहा होता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लम की सुन्नत तो यह थी कि आपने अपनी जात के लिए कभी इंतकाम नहीं लिया, हमेशा दरगुजर के पहलू को इख्तियार किया। हां, आपने जब शरीयत का मामला आया तो आपकी गैरत का मामला यह होता था कि आपके चेहरे की रंगत बदल जाया करती थी। आज यह मामला हमारे अंदर खत्म हो चुका है। तो ज्यादती हो जाए, जुल्म हो जाए, तो सब्र कीजिए, दरगुजर के पहलू को इख्तियार कीजिए, शरीयत के मामलात के अंदर अपनी गैरत को जगाता रखिए ताकि अल्लाह से मोहब्बत और वफादारी हो सके। तीसरी चीज, जब भी कोई शख्स सवाल के दरवाजे को खोलता है, फकीर बन जाता है, मंगता, लोगों की जेबों पर उसकी नजर पड़ जाए और भिखारी बनकर हर एक से मांगता फिरे,
छोटी छोटी बातों का सवाल करता रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इंसान के लिए यह बात भी हल्फन है, फकर का दरवाजा खोल देता है, फिर जितने भी उसके पास वसाइल हों वो कभी भी फकीरी से निकल नहीं सकता। खुददारी पैदा कीजिए अपने अंदर। जिसका पहलू यह है अपने अंदर कनात पैदा करें, कनात। जितने वसाइल आपके पास मौजूद हैं उस पर इक्तिफा करने की कोशिश कीजिए, अपने इसराफ और फजूलियात से अपने आप को बचाइए, और रिस्क के हलाल को जो आपने कमाया है जो अगरचे महदूद है अपने वसाइल को महदूद कीजिए। कनात पसंदी, इसका सवाल रसूलुल्लाह सल्लम ने किया। तो रसूलुल्लाह सल्लम ने सहाबा इकराम से जो बैत ली थी उस बैत में यह बात भी शामिल थी कि लोगों से सवाल नहीं करना। कितने सहाबा इकराम हैं जिनके ये वाकयात मिलते हैं। इस बैत के बाद वो बात जो एक तआवुन के तौर पर आती है जिसमें मांगने का कोई पहलू नहीं है, सवारी पर सवार हैं, कोड़ा गिर गया है, उठाना मुश्किल है, चीज अपनी है, किसी से हेल्प लेना कि ये मुझे उठाकर दे दें, फरमाते हमने इसको भी मायूब समझा, उतर गए नीचे, अगरचे उतरना मुश्किल था, खुद अपने हाथ से अपना कोड़ा उठाया और दोबारा सवारी पर चढ़ना पसंद कर लिया, लेकिन लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाए। ये हमियत और गैरत और खुददारी है। तो ये हदीस का पहला पहलू था जिसको रसूलुल्लाह सल्लम ने हल्फन बयान किया है। तो रहनुमाई क्या है, जब भी शरी मामलात के अंदर आपको यह बात नजर आए कि इस जगह पर खर्च करना आपका बनता है, इस जगह आपको दीन की मदद करना जरूरी है और अल्लाह ने आपको माल दिया है, तो बगैर किसी खौफ के अल्लाह की राह में खर्च करके अपने माल को बढ़ा दें। दूसरी चीज जिस पर रसूलुल्लाह सल्लम ने कसम खाई है, खानदान के अंदर, शहर के अंदर, बरादरी के अंदर, सोसाइटी के अंदर उलझाव बहुत ज्यादा है। छोटी छोटी बात पर तनाजा, इख्तिलाफ, घर छोड़ के चले जाना, मां बाप से अलग हो जाना, तलाक का हो जाना, छोटे छोटे मसाइल पर है। बस एक बात बना ली शोहर ने, बीवी को तलाक दे दी, बीवी ने एक बात शोहर से ले ली और खुला ले लिया, इख्तिलाफात हद दर्जे तक इंतहा को पहुंच चुके हैं। इस वक्त जरूरी है इस हदीस पर जिसको रसूलुल्लाह सल्लम ने हल्फन बयान किया है, सबर के दामन को थाम लीजिए। अगर आपके साथ ज्यादती हुई है दरगुजर कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत बिल आखिर आपकी इज्जत को बढ़ाकर आपको इज्जतदार बनाएगा। और कनात पंदी पसंद बनने की कोशिश कीजिए, जो वसाइल आपको मिले हैं चाहे वो महदूद हैं रोना धोना छोड़ दीजिए, जहां पर आपकी फजूल खर्चियां उसको खत्म कीजिए और अपने इन वसाइल के अंदर रहते हुए अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करें, दूसरों के सामने अपने हाथ को फैलाने की कोशिश ना करें। मकरूज की कोई इज्जत नहीं होती। अब आते हैं दूसरे पहलू की तरफ। आपने फरमाया तुम्हें हदीस बयान करता हूं इसको याद कर लो, पल्ले से बांध लो। इन नमद दुनिया लि अरबाती नफर, ये जो दुनिया है ये दुनिया चार किस्मों में तकसीम शुदा है। याद ये करना है, पल्ले से बांधने वाली बात ये है, आपने अपना एहतिसाब ये करना है कि मेरा शुमार किस किस्म में से है। चार किस्म के लोग हैं, दराजात सिर्फ दो बनाए हैं, एक सबसे फजीलत वाला मकाम और दूसरा सबसे खबीस मकाम। अफराद चार किस्म के हैं, मकाम सिर्फ दो हैं, या तो इज्जत या फिर जिल्लत। अब हम में से हर शख्स अपने आप को इस हदीस को सुनकर जज कर सकता है, एहतिसाब कर सकता है मेरा शुमार किस किस्म में से है, फजीलत के हामिलीन में से या उन खबीस लोगों में से जो काबिले नफरत है। चौथी, बस ये चार है, पांचवी कोई किस्म नहीं है।
और इनका दारोमदार सिर्फ एक चीज पर घूमता है। ये चार किस्में हैं, दारोमदार सिर्फ एक चीज पर घूमता है और वो है इल्म। अगर आपके पास सही इल्म है तो फिर इन चार किस्मों का तारुफ आपको हासिल होगा और आप पहली दो किस्मों में शामिल हो जाएंगे इस इल्म की वजह से। और अगर आपके पास इल्म नहीं है तो फिर आप आखिरी दो किस्में जो खबीस हैं उनमें चले जाएंगे। इल्म दो तरह का होता है, वो हदीस बड़ी मशहूर है, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन। इल्म का हुसूल हर मुसलमान के लिए लाजमी है। मुहद्दिस अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहिमहुल्लाह और इमाम अहमद रहिमहुल्लाह फरमाते हैं इस हदीस में यह जो कहा गया है हर मुसलमान पर तलब इल्म फर्ज है। फर्ज की दो किस्में हैं, फर्ज किफाया और फर्ज ऐन। फर्ज ऐन का मतलब है हर मुसलमान पर उसका इल्म लाजमी है, कोई किनारा कशी नहीं कर सकता। और इससे मुराद वो इल्म है जो चीजें उस पर फर्ज हैं, जिनकी अदायगी उसके लिए लाजिम है, उसकी मालूमात हासिल करना। मसलन कलमा, नमाज, रोजा, जकात, हज। अब एक बंदे पर जकात फर्ज हो चुकी है, इतना माल है कि निसाब को पहुंच चुका, अब जकात के मसाइल जानना लाजिम हो गया इसके लिए। इसके पास इतने वसाइल मौजूद हैं कि हज बैतुल्ला कर सकता है, तो हज बैतुल्ला की तरबियत हासिल करके हज बैतुल्ला करना इसके लिए फर्ज हो चुका है, यह इल्म लाजिम है इसके लिए। नमाज पढ़ने की वो ताकत रखता है, बालिग हो चुका है, अब नमाज के जमी मसाइल, नमाज कैसे पढ़नी है, कब पढ़नी है, कितनी रकात पढ़नी है, क्या तरीका कार है, कैफियत क्या है, मकदार क्या है, जमाना क्या है, मकान क्या है, यह मालूमात हर बालिग मुसलमान पर जो मुकल्लफ है, आकिल है, जानना जरूरी है। यह कोई खेल नहीं है, बाप दादा जैसे कर रहे थे आपने वैसे ही देखते देखते करना शुरू कर दिया। आपसे किसी मसले के बारे में पूछा जाए आप नमाज यूं पढ़ते, आपके पास दलील है, सारे यूं पढ़ते हैं, बाप दादा यूं पढ़ते आ रहे हैं, सारे गलत तो नहीं हो सकते। यह है वो जहालत जो आदम इल्म की वजह से हमारे अंदर पाई जाती है और इसका रद्द कुरान हदीस में मौजूद है। इल्म जरूरी है, वरना क्या होगा, आपका वो कौल जो आप जबान से अदा कर रहे हैं नेकी समझकर, आपका वो फेल जो अपने आजा से आप कर रहे हैं जहालत की वजह से, याद में इल्म की वजह से या इल्म की कमी की वजह से, आप तो टकरे मार रहे हैं लेकिन इंदल्ला आपका यह अमल कोई भी किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं है। मसलन वो हदीस बड़ी मशहूर है, आपने अक्सर सुनी होगी सहीहैन के अंदर, बल्कि कुतुब हदीस के अंदर यह मौजूद है, मुसी उस सलाह के नाम से मशहूर है। अल्लाह के रसूल सहाबा इकराम के साथ मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, एक शख्स आया और आकर उसने नमाज पढ़ी और अल्लाह के रसूल को सलाम किया। आपने सलाम का जवाब दिया और क्या फरमाया, जाओ जाकर नमाज पढ़ो, तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी, हालांकि नमाज पढ़ी है। जब उसे यह पता चला कि मेरी नमाज मुस्तरद हो गई है, अब नमाज उसने बेहतर पढ़ी होगी, फिर आकर सलाम किया, आपने फरमाया जाओ जाकर नमाज पढ़ो, तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी, शुमार ही नहीं हुई तुम्हारी नमाज। और अगर अल्लाह के रसूल ना होते, मौजूद ना होते, ये नमाज पढ़ के चले जाते और ये मामला कंटिन्यू होता, तो उसके जहन में तो ये है ना कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं, गिनती पूरी हो रही है। तीन दफा ऐसा हुआ, जब तीसरी दफा भी नमाज मुस्तरद हो गई तो उसने क्या कहा, वल्लदी बासक बिल हक मा उहसिनु गैरहु फअल्लिमनी। अल्लाह की कसम जिसने आपको हक के साथ नबी बनाकर भेजा है, मैं इससे बेहतर नमाज पढ़ना नहीं जानता, मुझे तालीम दीजिए, इस नमाज का इल्म दीजिए। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लम ने पूरी नमाज सिखाई। इल्म क्यों जरूरी है, अल्लाह ने क्या फरमाया, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्न और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो बंदगी का मकसद इल्म के बगैर समझ ही नहीं आएगा, तरीका है बंदगी इल्म के बगैर मुमकिन ही नहीं है। इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने सही बुखारी में एक बाब बांधा है,
باب العلم قبل القول والعمل, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, اس سے پہلے علم جاننا ضروری ہے, ورنہ آپ کا قول بھی مسترد ہے اور آپ کا عمل بھی مسترد ہے. اور یہاں ایک نو مسلم جس نے ابھی ابتدائی مراحل تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز کو دیکھ کر کیا کہا, تمہاری نماز نہیں ہے. اگر احادیث کے اسلوب کو اور محدثین کے ابواب کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے اس شخص کی نماز کے اندر جو بنیادی مسئلہ تھا وہ ارکان کے اندر اعتدال نہیں تھا, رکوع اور سجدے میں اطمینان اور اعتدال نہیں تھا, اور کمر سیدھی نہیں ہوتی تھی. اور اکثر لوگ آج نماز پڑھتے ہیں, آپ اگر ان کے رکوع اور سجدے کو دیکھ لیں, رکوع اور سجدے کو دیکھ لیں, تو وہ صرف یہی نظر آئے گا کہ یہ گنتی پوری کر رہے ہیں, اس شخص کی طرح ان کی نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بعض تو رکوع میں جانے کے بعد سیدھا کھڑا ہی نہیں ہوتے, کون سیدھا کھڑا ہو, اور رکوع سے ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں. اور وہ خواتین جو یہ سمجھتی ہیں مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے, ان کے سجدے کو دیکھ لیں, وہ سجدہ ہی نہیں ہے, وہ تو زمین پر اس طرح بچھتی ہیں جس طرح کتا بچھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, یہ مرد عورت دونوں کے لیے ہے, لا یبسط احدکم ذراعین بساط القلب, تم میں سے کوئی بھی نماز میں سجدے کی حالت میں اس طرح نہ ہو جس طرح کتا اپنے بازو کو بچھاتا ہے, یہ مرد عورت دونوں کے لیے. اللہ نے کیا فرمایا سورہ بقرہ میں, فذکر اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون, اللہ کی بندگی ویسے کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا تھا تمہیں معلوم نہیں تھا. ہم تو جاہل تھے, جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے, کس نے بتایا, اللہ نے. کیسے بتایا, محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل سے. نماز ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی تعلیم آپ نے اپنے قول سے بھی دی ہے اور اپنے عمل سے. ایک موقع پر آپ نے فرض نماز منبر پر چڑھ کر پڑھائی ہے تاکہ دور تک صحابی, وہ چھوٹے قد کا ہے بڑے قد کا ہے, پہلی صف میں آخری صف میں اور پیچھے خواتین, ساری دیکھ لیں محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھا رہے ہیں. علم یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اللہ نے اس بات کا ذکر سورۃ النساء میں کیا, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اے پیغمبر اللہ نے آپ کو ایسا علم دیا جو آپ کے پاس نہیں تھا اور یہ اللہ کا فضل عظیم ہے. کیونکہ جس کے پاس علم آ جاتا ہے اس کیا عبادت کا, عقیدے کا, اخلاق کا, کردار کا, سیرت کا, صورت کا معاملہ روشن ہو جاتا ہے, عمل مسترد ہو گیا. سنن نسائی میں کتاب الصلاح کے اندر ایک صحابی نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے, رک گئے کہ یہ نماز سے فارغ ہو تو اس سے کچھ سوال کرتا ہوں. وہ نماز سے فارغ ہوئے اور اس سے پوچھا, اے اللہ کے بندے اس طرح کی نماز کب سے پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے. فرمایا اللہ کی قسم اگر اس طرح نماز 40 سال سے پڑھ رہے ہو تو تم نے نماز محمدی ایک بھی نہیں پڑھی, ایک نماز بھی نہیں ہوئی, اور اگر اس حالت میں مر جاتے تو تمہارا انتقال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر نہ ہوتا, کیونکہ تمہاری زندگی میں نماز ہی نہیں ہے. اور افسوس یہ ہے مسلک پرستی, مسلک کی تعصب اور اندھی تقلید کا نتیجہ یہ ہے, وہ آپ کو سوال کرنے نہیں دیتے, بس جیسے امام نے کہہ دیا کرتے چلے جاؤ, کیونکہ جانور ہے نا. آپ نے اگر سوال کر لیا اس کی دلیل کیا ہے, بھائی نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ حدیث میں کیا ہے, رفع الیدین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرامین ہیں, اگر آپ نے سوال کر لیا آپ گستاخ ہیں, کیا امام آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ علم, علم کس کو کہتے ہیں؟ وحی الہی کو جاننا, اور وحی الہی کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم اور حدیث کی تعلیم. قرآن مت پڑھنا گمراہ ہو جائیں گے, اگر آپ نے حدیث کو اٹھا لیا تو پھر آپ حدیث کو پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. یہ گمراہی نہیں, جنہیں وہ گمراہی کہہ رہے ہیں وہ صراط مستقیم ہے. کتاب و سنت کو جب آپ سمجھنے لگ گئے اور علم کی روشنی میں عمل کریں گے تو یہ فرقہ پرستی ختم ہو جائے گی, تقلید کے راستے ختم ہو جائیں گے, اور علم کی روشنی میں آپ اتباع کے راستے پر آ جائیں گے. تو دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں. پہلا طبقہ, پہلی قسم کے لوگ
عبدن رزقہ اللہ علمن و مالا فہو یتقی فیہ رب و یصل فیہ رحم و یعلم للہ فیہ حقا. ایک اس قسم کے بندے ہیں جن کو اللہ نے علم بھی دیا ہے اور مال بھی دیا ہے, صاحب علم بھی ہیں اور صاحب مال بھی ہیں, دونوں دولتیں مل چکی ہیں, دولت علم اور دولت مال. ان دونوں دولتوں میں بڑا فرق ہے. پہلی دولت دوسری دولت کو محفوظ بنا دیتی ہے. اگر آپ کے پاس علم ہے, یہ علم آپ کی بھی حفاظت کرے گا اور مال کی بھی حفاظت کرے گا. لیکن اگر آپ کے پاس صرف مال ہے تو مال آپ کی حفاظت نہیں کرے گا, آپ کو اس مال کی حفاظت کرنی پڑے گی. مال دنیا میں آپ کی ذات کو فائدہ دے گا, لیکن آپ فوت ہو گئے یہ مال آپ کے ساتھ نہیں جائے گا. اگر صرف مال ہے, یہ علم جس کی روشنی میں آپ نے مال کو کمایا اور مال کو خرچ کیا, تو آپ دنیا سے جب جائیں گے یہ علم قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہے اور محشر میں بھی آپ کے ساتھ ہے, کیونکہ اس کی روشنی میں آپ نے جو کام کیے تھے وہ عمل ایسا عظیم تھا کہ اس نے قبر بھی روشن کرنی ہے اور محشر بھی روشن کرنا ہے. علم ایک ایسی دولت ہے, جتنا اس کو نشر کریں گے اتنا بڑھتی چلی جائے گی, اور مال ایک ایسی دولت ہے جتنا خرچ کریں گے اتنی کم ہوتی چلی جائے گی. تو پھر اس میں عظیم دولت کون سی ہوئی جس نے مال کی بھی حفاظت کرنی ہے اور آپ کی ذات کی بھی حفاظت کرنی ہے, جو صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ کی معاونت اور آپ کے لیے روشنی کا سبب بنے گی. تو لہذا اس علم کے ساتھ وابستگی قائم کر کے دنیا اور آخرت کو روشن کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو کاروبار کرتے ہیں, ملازمت کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, چھوٹا موٹا ان کا بزنس ہے, اگر ان کو اس تجارت کے اصول کا علم ہے اور اس علم کی روشنی میں وہ کاروبار کر رہے ہیں, وہ رزق حلال بن گیا کیونکہ علم بتا رہا ہے بینک کے اندر جاب حرام ہے کیونکہ یہ سود ہے. آپ کام کر رہے ہیں, اس میں آپ رشوت نہیں لے سکتے, آپ کا رزق حرام ہو جائے گا. آپ کوئی زمین کی خرید و فروخت کرتے ہیں, اسٹیٹ ایجنسی کا کام کرتے ہیں, پتا ہے جعلی فائل بنانا یا ناجائز زمین پر قبضہ کرنا حرام ہے. آپ جاب کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے مالک ہے یا نہیں, اگر میں نے دو نمبری کی اس کے ذریعے جو چند پیسے میرے پاس آئیں گے وہ حرام ہو جائیں گے. آپ کے پاس علم ہے, آپ کو پتا ہے اذان جمعہ ہو گئی ہے, اب دکان نہیں کھول سکتا, اس لیے کہ دکان کھولوں گا کاروبار حرام ہو جائے گا, آمدنی حرام ہو جائے گی, کیونکہ اللہ رب العزت نے اذان جمعہ کے وقت اپنے کاروبار کو بند کرنے کا حکم دے دیا. علم کی روشنی میں رزق حلال بن گیا. آپ کو علم ہے تو آپ کو پتا ہے اس مال کے تعلق سے دو سوال ہونے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے, اور پانچ سوالات میں تیس دو سوال اس مال کے تعلق سے ہے, کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا. تو آپ کماتے وقت بھی علم کی روشنی میں حلال ذرائع کو دیکھتے ہیں, اور خرچ کرتے وقت بھی علم کی روشنی میں حلال ذرائع کو دیکھتے ہیں, یا خرچ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے. تو بندہ کیا کرتا ہے, حدیث میں تین صفات بیان ہوئی ہیں, مال بھی ہے علم بھی ہے. فہو یتقی فیہ ربہ, اللہ سے ڈرتا ہے. اس مال کے تعلق سے علم کی روشنی میں اللہ سے ڈرتا ہے مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. وہ یصل فیہ رحمہ, صلہ رحمی کرتا ہے, اس کو پتا ہے یہ مال اللہ نے مجھے دیا ہے, اس مال میں جتنا میرا, میرے بیوی کا, میرے بچوں کا, میرے ماں باپ کا مجھ پر حق ہے, اتنا میرے رشتہ داروں کا بھی ہے, ان کی ضروریات کو پورا کرنا جس میں میں ذمہ دار بنتا ہوں. کبھی پڑوسی ہونے کی وجہ سے, کبھی رشتہ دار مسکین ہے, فقیر ہے, یتیم ہے, ان کے بھی مجھ پر کچھ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں, صلہ رحمی کرنا بھی مجھ پر ذمہ داری بن جاتا ہے. عام صدقے کا ایک اجر ہے, رشتہ دار پر جب صدقہ کیا جاتا ہے تو ڈبل اجر ہو جاتا ہے. وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِي حَقَّ, علم ہے تو وہ جانتا ہے کہ اللہ کے کیا حقوق ہے اس مال میں. سال کے بعد زکات فرض ہو جاتی ہے, کس مال پر کتنی زکات دینی ہے یہ تو واجبی علم ہے. پھر اس علم کی روشنی میں اس زکات کو کما حق ہو بر وقت اسی مالی صورت میں ادا کر کے امانت داری کو ادا کر دیتا ہے. علم ہے نا, اگر علم نہ ہو تو پھر زکات کی منمانیاں ہوتی ہیں,
कुछ लोग कहते हैं कि मुझ पर यह कर्ज, मुझ पर यह कर्ज, मुझ पर यह कर्ज, देना नहीं है या देना है सदियों में, लेकिन वो टोटल कर्ज शुमार करने के बाद क्या कह रहे होते हैं, इतना कर्ज है ज़कात तो नहीं बनती। खुद ही हिसाब लगा लिया, खुद ही अपनी मर्जी से हिसाब किया ज़कात का, और राशन खरीद कर तकसीम करके समझते हैं ज़कात अदा हो गई। इल्म है तो आप इस तरह जहालत वाला कोई भी किरदार पेश नहीं करेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शख्स सबसे अजीम मंजिलत पर फाइज है, सबसे अजीम, क्योंकि उसे माल भी मिला है और इल्म भी मिला है, तकवा इख्तियार करता है, सिला रहमी और अल्लाह के हुकूक माल में से अदा करके ये कायनात के अंदर जितने अफराद बसते हैं उनमें सबसे अजीम मंजिलत पर फाइज हो गया। नंबर दो, दूसरा शख्स, अबदिन राजा कहुल्लाहु इल्मा फलम यर्जुक माला, अल्लाह ने इल्म दिया है, माल नहीं है उसके पास, दौलत इल्म से नवाजा है। अब ये अल्लाह से क्या कहता है, अल्लाह तो नियत को जानता है, अल्लाह तूने मुझे इल्म दिया है और जो फुला शख्स है उसको इल्म भी दिया और माल भी दिया, अगर मेरे पास माल होता तो मैं उस इंसान की तरह इस माल को तेरी राह में खर्च करता, जिस तरह वो दीनदार इंसान, मालदार इंसान इस इल्म की रोशनी में तेरी राह पर, तेरे दीन की नुसरत में, तेरे दीन की सरबुलंदी में, तेरे मखलूक की जरूरत को पूरा करने में मसरूफ अमल है, मैं भी इसी तरह करता। है कुछ भी नहीं उसके पास, इतने वसायल हैं कि सिर्फ अपनी जिंदगी पूरी अच्छे तरीके से गुजार सकता है, एक मुनासिब तरीके से गुजार सकता है, दूसरों को देने के लिए इसके पास कुछ भी नहीं है। नीयत में सच्चा है, अगर इसके पास अल्लाह माल देता तो अल्लाह जानता है कि यह जरूर उसी तरह करता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फअजरुहुमा सवा, इन दोनों का अजर बराबर है। नीयत अगर आपकी अच्छी हो और आपने कुछ भी नहीं किया, अल्लाह ताला उस नीयत की वजह से वो अजर आपको दे देता है जो आप करना चाहते हैं। यह नीयत अच्छी कैसे होगी, इल्म की वजह से। अगर इल्म नहीं है तो फिर आपकी नीयत भी दो नंबर होगी। देखिए ना, नमाज पढ़ते हैं, नमाज से पहले नीयत के मसाइल हैं, जबान से नीयत करना जरूरी है। कुछ लोगों के फिका के अंदर यह मसला है कि नमाज से पहले नीयत करना जरूरी है, और वो इस बात के भी कायल हैं कि इमाम के पीछे सूरतुल फातिहा नहीं पढ़नी, क्योंकि जब किरत हो रही होती है तो सुनना लाजिम है, फिर आप खामोश रहेंगे, लेकिन नीयत के एक मिनट दो मिनट वो जरूर लगाते हैं। और नीयत के अल्फाज जबान से अदा करना सही तो दूर की बात है, किसी ज़ईफ में मौजूद नहीं है। दुनिया का कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो ये साबित कर दे कि अल्लाह के रसूल सल्लम की नमाज की नीयत के ये अल्फाज हैं। कैलेंडर जो रोजे का है उसमें लिखा होता है, वबिसौमी गदी नवैतु मिन शहरी रमजान, ये कौन सी हदीस, मन घड़त, माना भी गलत है। मैं कल के रोजे की नीयत करता हूं, रोजा आज रख रहे हैं आप, तो एक दिन भी अगर आपकी नीयत यह कि आप रोजे की नीयत कर रहे हैं तो एक दिन भी नीयत नहीं की आप, ये क्या है, ये जहालत है, अदम इल्म। तो अगर आपने सही इल्म हासिल कर लिया, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो इस सही इल्म की रोशनी में आप कुछ भी ना करके इस अफजल मंजिलत पर फाइज हो गए। नंबर तीन, तीसरा वो शख्स, राजा कहुल्लाहु मालन वलम यर्जुकु इल्मा, अल्लाह ने माल बहुत दिया लेकिन इल्म नहीं है उसके पास। ये बैंक से गाड़ी निकालना है भाई, हर साल नया मॉडल आना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि ये नई नई गाड़ियों में घूमता है, अपनी शहवत परस्ती के लिए वो हलाल और हराम के फर्क को भूल बैठा है। बैंक में जॉब कर रहा है, बैंक से कर्ज सूद पर ले रहा है, बैंक से सूद पर गाड़ी ले रहा है, कोई भी बैंक इस्लामी नहीं है, जहन में रख लीजिए, सिवाय धोखे और फ्रॉड के कुछ भी नहीं है। ये मुजारबत है, ये कफालत है, ये फला है, ये फला है, ये इस्लामी बैंक है, फतवे रखे हुए हैं, आप गाड़ी ले लें, ये इस्लामी उसूलों के मुताबिक है, ये उलमा के फतवे हैं। बहुत सारे उलमा इस सू मौजूद हैं जो अपने सिर्फ जाती मफाद के लिए इस तरह के फतवे जारी करते हैं। दीन बराए फरोख, यश्तरून अभी आयातिल्लाह थमनन कलीला, करप्शन करते हैं, खियानत करते हैं, जायदाद पर कब्जा करते हैं, विरासत खा जाते हैं, मजदूरों को उनका हक नहीं देते, फिर क्या है, सिर्फ अपनी हवस को पूरा करना, अप
अपनी हवस को पूरा करने के लिए, मैं अमीर दर अमीर दर अमीर बन जाऊं। इल्म तो है नहीं कि खौफ खुदा हो, अल्लाह का डर हो कि यह कदम माल के हुसूल के लिए या माल को खर्च करने के लिए नाजायज है, अपनी हवस को पूरा करने के लिए। उस तरह जिस तरह माल कब्जा किया था, फिर इसी तरह माल को खर्च भी करते हैं, अय्याशियों में, ऐशो इशरत में। क्या फिर शबाब है, कबाब है, नस प्रस्ती है, शराब नोशी है, बदकारी है, अय्याशियों के अड्डे चलाते हैं। ना तो अल्लाह का डर होता है, ना सिला रहमी होती है, और ना ही अल्लाह के हुकूक को वह जानते हैं। तो क्या है इसमें, इससे ऐसे किस्म के लोग सबसे खबीस मंजिलत पर हैं, सबसे बड़े खबीस ये लोग हैं, खबासत की इंतहा है इन पर, जिन्होंने अल्लाह ताला के इस माल को जो उसकी नेमत है उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया। सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है ना, जिसमें तीन किस्म के बनी इसराइल के तीन अफराद का इम्तिहान लिया गया था माल देकर। एक गंजा था, एक बर्स बीमारी वाला था, और एक नाबीना था। एक को ऊंट दे दिए सेहत देकर, एक को गाय दे दी सेहत देकर, एक को सेहत देकर बकरियां दे दी। अब जिब्रील फरिश्ते को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानी शक्ल में भेजा था इन्हें यह देकर, नेमतें देकर। अब दोबारा उसी फरिश्ते को भेजा है इंसानी शक्ल में, जाओ एक मुसाफिर और अजनबी बनकर, गरीब बनकर इनसे तकादा करो, मुझे माल चाहिए। ऊंट वाले के पास आए जिसके पास ऊंट दिए गए थे, फिर गाय वाले के पास आया, इनसे कहा कि मैं मुसाफिर हूं, मुझे जाना है, आप मेरी मदद करें। उन दोनों ने क्या कहा, बड़े हुकूक हैं हम पर, मैंने यह भी करना, यह भी करना, यह भी करना, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। उसने कहा लगता है कि तुम एक वक्त में गरीब थे, तुम्हें अपना माजी भुला दिया गया तुम्हें। उसने कहा नहीं नहीं, बाप भी अमीर, दादा भी अमीर, नस्ली हम अमीर चले आ रहे हैं, अभी गरीब थे ही नहीं, माजी याद नहीं है, लगता है आप इस बीमारी में मुबतला थे, हमें तो कोई बीमारी नहीं थी। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह आपको पहली हालत में लुटा दे। एक मुसाफिर की मदद नहीं की, अपना माजी बुला दिया, अल्लाह की नेमत की नाकदरी की। उसी लम्हे उनके बाड़ों में ऐसी तबाही आई, सारी गायें मर गई, सारे ऊंट मर गए, वो गंजापन जो बालों से दोबारा नेमत मिली थी दोबारा गंजा बन गया, वो बर्स बीमारी जिससे शिफा मिली थी दोबारा उस बीमारी में मुबतला हो गया। अल्लाह अगर दे सकता है तो ले भी सकता है। अल्लाह के ताल्लुक से, अल्लाह की राह के ताल्लुक से बुखल ना कीजिए। किसी मुसाफिर को, किसी अजनबी को, किसी मुस्तहिक को, किसी दीनी मामलात में फंसे हुए इंसान को अगर आप देखें मदद कर सकते हैं तो मदद कीजिए। यह अल्लाह ने आपको दिया है और इससे अल्लाह आपके माल को बढ़ाएगा। यह अल्लाह की राह में खर्च किया हुआ कभी माल तबाह नहीं होता। और वो नाबीना था, उसने क्या कहा, वाकयतन मेरे पास बकरियां नहीं थी, एक बकरी भी नहीं थी, अल्लाह ने मेरी मदद की, मैं नाबीना था, अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी, और आज अगर तुम्हें जरूरत है, मेरी मदद हुई तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जाओ बाड़े में चले जाओ, जो बकरी अच्छी लगती है वो ले लो, जो बकरी अच्छी लगती है ले लो। उस फरिश्ते ने क्या कहा, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं, तुम्हारे दोनों साथी इम्तिहान में बर्बाद हो गए, नाकाम हो गए, फेल हो गए, और तुम कामयाब हो गए, हमें माल की जरूरत नहीं है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह ने जो तुम्हें नेमतें दी अल्लाह उस नेमत तुम्हें और इजाफा फरमा दे। कामयाबी जब आप अपने माजी को बुला देते हैं ना, तो फिर आपकी तबाही मुकद्दर बन जाती है। कौन सी चीज है जो फर्क कर रही है, वो इल्म है। अगर इल्म नहीं है तो आप मनमानियां करते हैं हुसूल माल में और खर्च करने में, और अगर इल्म है तो आप एक हद के अंदर रहते हैं। चौथा शख्स, लम यर्ज़ुक माला वलम यर्ज़ुक इल्मा, ना उसके पास माल है ना उसके पास इल्म, कुछ भी नहीं है, फकीर कंगला। लेकिन कुछ ऐसे फकीर भी होते हैं जो वलीउल्लाह होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। लेकिन यह फकीर जिसके पास ना इल्म है ना माल है, क्या करता है, इसका आइडियल कौन है? तो ये कहता है वो जो चौधरी है, वो वडेरा, वो रईस, वो मालदार, जो ऐशो इशरत की जिंदगी ये गुजार रहा है, क्या लाइफ स्टाइल, क्या घर है, क्या गाड़ियां है, क्या ऐशो इशरत है, क्या अय्याशी के हड्डे चलाता है ये, क्या मौज मस्तियां, क्या खाने की डिशें चलती हैं, क्या जिंदगी है, काश मेरे पास माल होता मैं भी यही करता, बड़ी सी एलसीडी घर में लगाता, नाच गाना, म्यूजिक, मौसीकी, रक्स,
की महफली होती, शराब कबाब सब कुछ चलता है, कुछ भी नहीं, एक रुपया जेब में नहीं है, और सपने क्या है उस चौधरी और ठेकेदार रईस जैसे, किया कुछ भी नहीं है सिर्फ इरादा। तो क्या फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यह शख्स भी इस तीसरे शख्स जो सबसे खबीस मंजिलत पर है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी बदनीयत की वजह से उसी की जगह पर इसको ला खड़ा कर दिया, फ्री में कुछ भी नहीं किया, लेकिन नीयत बद जो इल्म नहीं था, नतीजतन ये भी तबाही में उस खबासत की मंजिल पर चला गया। बस ये चार किस्म के लोग हैं। इसमें अगर आपको एक चीज नजर आ रही है जो हद फासिल है, वो सिर्फ और सिर्फ इल्म है। हर फितने का सद्दे बाप इल्म के जरिए है, जब इल्म निकाल दिया जाए, हर जहालत है, हर जहालत है, हर किस्म का फितना आपके अंदर आएगा। सही बुखारी की हदीस, इन्ना मिन अशरातिस्सा, कयामत की निशानियों में से इल्म उठा लिया जाएगा। जहालत आम होगी, जब जहालत आम होगी जिनाकारी आम हो जाएगी, शराब नोशी आम हो जाएगी, कत्ल गारत आम हो जाएगा, फसादात आम हो जाएंगे, लोग गुमराह किस्म के लीडरों को सरबरा बनाकर उनके मसाइल उनसे पूछेंगे, उनके फतवों को लेंगे, और खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। आज ये दौर है। सबसे बड़ा फितना कौन है? दज्जाल का। कौन बचेगा? जिसके पास इल्म है। कौन उस फितने में गिरफ्तार हो जाएगा? जिसके पास इल्म नहीं है। आइए इल्म की तरफ। इंसान जब चला जाता है दुनिया से, उसके अमल मुनकते हो जाते हैं। इल्ला मिन सलासा, तीन अमल ऐसे हैं जो मरने के बाद भी जा रहे हैं। कौन से? सदका जारिया। कोई ऐसा काम कर जाएं आप जो आपको पता हो और अल्लाह को पता हो कि मेरे मरने के बाद मेरा ये खुफिया काम है, मेरा ये काम है जो मुझे पता है, ना उसकी वीडियो बनाने की जरूरत है, ना तशहीरबाजी करने की जरूरत है, ना दिखलावे की जरूरत है। कोई ऐसा सदका जारिया का काम कर जाए जो आपको पता हो, अल्लाह को पता हो, और आपको यह मालूम है मेरी कब्र में रोशनी देने के लिए यह सदका जारिया काफी है। दूसरी चीज, वलदिन सालिहिन यदुल, औलाद को नेक बना दें, औलाद को नेक बना दें। दीन एक ऐसी अमानत है जो औलाद जैसी अमानत को देकर चले जाएं। अगर आपने प्रोफेसर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, आपने फलां बना दिया, फलां बना दिया, दीन नहीं दिया, अकीदा नहीं दिया, तो याद रखिए आपकी कब्र में भी और आपके माशर में भी औलाद के साथ यह खयानत आपके लिए जुर्म बनकर सामने आ जाएगी, क्योंकि आप मसूल हैं और औलाद के बारे में आपसे सवाल होना है। जिस तरह माल अमानत है, औलाद भी अमानत है, दीन भी अमानत है। यह दीन अमानत औलाद जैसी अमानत को देकर चले जाएं। कु अनफुसकुम अहलीकुम नारा, अपने आप को अहलो अयाल को जहन्नम से बचा लीजिए। और तीसरी चीज, इल्म युन्तफाउ बे, इल्म जिससे नफा हासिल करें। आप आलिम हैं, शागिर्द पैदा कर लें, और अगर आपने अपने शागिर्द पैदा कर दिए, इतने शागिर्द कि वो सिलसिला इल्म जारी होता है, तो बेहतरीन सदका जारी है। या अपनी औलाद को हाफिज़े कुरान और आलिम दीन बना दें। अल्लाह ने दो बच्चे दिए, तीन बच्चे दिए, चार बच्चे दिए। ये जो शव्वाल का महीना है, दीनी मदारिस और जामियात की इब्तिदा है, साले नौ है। एक बच्चा जरूर निकालें जो आपके लिए सदका जारिया बन जाए, जो हाफिज़े कुरान और आलिम दीन बने, और यही वो बच्चा होगा जो आपके मरने के बाद आपकी कब्र को और माशर को ठंडा करेगा। वरना प्रोफेसर और इंजीनियर वो कब्र में आपको निकाल कर जायदाद पर कब्जा करने के लिए अंगूठे लगाएंगे, और आपके लिए दुआ करने के लिए कोई भी नहीं होगा। दुनिया को बहुत कुछ दे दिया आपने, अपनी जिंदगी आपने दुनिया के लिए खपा दी, अब आखिरत को संवारने के लिए एक बच्चा जरूर निकालें। दीनी इल्म के लिए, आलिम बनाने के लिए एक बच्चा, लेकिन दीन सबको देकर जाए, अकीदा सबको देकर जाए, सहाबा का तारुफ सबको देकर जाए, सीरत सहाबा की और रसूलुल्लाह सल्लम की सबको देकर जाए। नहीं कर सके, औलाद नहीं है, या कोई ऐसी फरमाबरदार नहीं है, तो किसी इदारे के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत कर लें। वहां पढ़ने वाले तलबा को आप जिम्मे ले लें, इन तीन बच्चों का खर्चा मैं उठाऊंगा, दो का मैं उठाऊंगा, एक का मैं उठाऊंगा, और ये आठ साल का आलिम का कोर्स इसको आपने करवाना है, और इसका महाना खर्चा मैं उठाऊंगा, और ये बच्चा जब आलिम बनकर निकलेगा, फिर जितने भी उलामा पैदा करेगा, ये आपके लिए सदका जारी है। कुछ तो कर जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें सही इल्म की रोशनी में अपने अमल को, अपने कौल को, किरदार को, गुफ्तार को, सीरत और सूरत को संवारने के अल्लाह में तौफीक अता फरमा दे। और ये जो पहली मंजिलत पर फायज लोग हैं, या दूसरी किस्म के लोग जो इस मंजिलत पर फायद हैं, अफजल तरीन लोग, इल्म और माल की वजह से या सिर्फ इल्म की वजह से, अल्लाह इस तबके में हमारा शुमार फरमा दे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, वा आखिरु दावाना अल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।